हमारी पहचान। 14 साला हमजा रात को देर तक सोचों में गुम रहा। वो किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था, वो इस जबान को जानना चाहता था जिसमें लिखी गई हजारों किताबें, अखबार, रिसाले बड़े से घर के एक बोसीदा हिस्से में बने हुए कमरे में मौजूद थी। ये कमरा किसी के इस्तेमाल में नहीं था। दोपहर में जब घर के तमाम अफराद आराम कर रहे थे, तब हमजा इस कमरे में चला गया। कमरे की चाबी उसे स्टोर में पुरानी चाबियों के गुच्छे से मिली थी। कमरे में कई अलमारियां किताबों से भरी हुई थी। लकड़ी की मेज पर कुछ डायरियां मौजूद थी। हर चीज पर गिर्द की मोटी दाग जमी हुई थी। कमरे की हालत से अंदाजा हो रहा था कि साल हा साल से यहाँ कोई नहीं आया। हमजा ने वहाँ से कुछ किताबें उठाकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन किताबों की इबारत इसकी समझ में ना आई। ये किताबें किसी ऐसी जबान में तहरीर थी जिसे वो नहीं समझता था। आखिर थक कर वो अपने कमरे में आ गया। अगले दिन सुबह दादा अपने मामूलात में मशगूल थे। जब हमजा इनके कमरे में दाखिल हुआ, इसने दादा से इस कमरे के बारे में पूछा तो दादा ने इसको पूरी बात बता दी। उन्होंने कहा, मेरे वालिद यानी तुम्हारे पर दादा उर्दू अदब का जोब रखते थे। उन्होंने इतना बड़ा कुतुब खाना बनाया, फिर रफ्ता रफ्ता कौम से इनकी कौमी जबान छीन ली गई। कौम को कौमी जबान उर्दू के बजाय अंग्रेज़ी पढ़ने पर मजबूर किया गया। नतीजा ये हुआ कि जब कौमी जबान की जगह अंग्रेज़ी नाम की एक अजनबी जबान बच्चे पर थोपी गई तो वो तालीम से भागने लगे। कायदे आजम ने उर्दू को कौमी जबान करार दिया था, लेकिन हमें आज़ाद पाकिस्तान देने वाले दौर नेशन रहनुमा की बात ना मानकर इनकी तोहीन की गई। वक्त दुश्मनों का मकसद पूरा हो गया। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, सब ने अपनी अपनी कौमी जबान में अपने बच्चों को तालीम दी। चीन, जर्मन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, अमरीका वगैरह, किसी ने अपने बच्चों को गैर मुल्की जबान में तालीम नहीं दी। दिन रोता है, यहाँ अंग्रेज़ी के खंजर से उर्दू को कतल किया जा रहा है। इधर मोबाइल फ़ोन ने उर्दू रस्म-ओ-ख़त ख़त्म करने की ठान ली, यानी उर्दू को भी अंग्रेज़ी हरूफ में लिखा जा रहा है। एक अंग्रेज़ फलस्फी ने यह बात यूँ कही, जबान ख़त्म करने के लिए किसी के कतब खाने को आग लगाने की ज़रूरत नहीं, रस्म-ओ-ख़त बदल देना काफ़ी है। उर्दू बिगाड़ने में अखबार और टीवी चैनल बराबर के शरीक रहे। अगर यही हाल रहा तो रफ्ता रफ्ता एक दिन उर्दू जबान का रस्म-ओ-ख़त मुकम्मल तौर से ख़त्म हो जाएगा और कौम रोमन रस्म-ओ-ख़त इस्तेमाल करते हुए अपनी शनाख्त की अपनी रोशन तारीख से बेगाना हो जाएगी। ज़रूरत के तहत अंग्रेज़ी ज़रूर सीखो, अपनी तहजीब और सकावत ख़त्म ना करो। हमजा बड़े गौर से यह हैरत अंगेज़ और अफसोसनाक हकायक सुन रहा था। दादा की आंखों से आंसू जारी थे। हमजा भी अपने शनाख्त होने पर रंजीदा था। गम में डूबी दादा की बातें सुनकर इसने अहद कर लिया कि वो उर्दू को मरने नहीं देगा, क्योंकि उर्दू ही हमारी पहचान है। दादा ने इसे बताया कि वो उर्दू जबान का हकीकी खत जानते हैं। हमजा की फरमाइश पर दादा ने वादा किया कि वो उसे उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। हमजा ने एक पुरानी चाबी दादा के हाथ पर रख दी। दादा इस चाबी को हजारों में पहचान सकते थे। ये कुतुब खाने की चाबी थी। अगले दिन दादा और हमजा इस कमरे की सफाई कर रहे थे। वो दूसरे लोगों को भी अपनी शनाख्त अपनी तारीख से आगाह करना चाहते थे।